The previous lecture you have seen the concept of retarded potentials. <coughs> now, on the basis of uh, this uh, uh, retarded potential, we will develop uh, the concept of Linard Richard Potential. In fact, uh, this Linard Richard Potential is just a special case of the general retarded potential you will see uh, in this lecture. Since uh, the concept of Lillard Wichard potential is also very vast, so for your convenience, I will just divide this lecture in two parts. This will be not completed in one lecture, but I will complete in in two lectures. So, this is actually the first part of the lecture on Lillard Wichard potential. So, first of all, uh,

पॉइंट चार्ज होता है और साथ ही साथ मोशन में होता है आप दो बात बोलिए कि अगर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट चार्ज के द्वारा जो मोशन में है तब उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल सो यू कैन से दैट लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल्स आर नथिंग दीज आर सिंपली द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट चार्ज अब सवाल पैदा होता है कि इस पोटेंशियल को फाइंड आउट कैसे किया जाए तो देखिए हमने कहा कि पॉइंट चार्ज अगर मोशन में है तब जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वही लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल कहलाता है लेकिन एक बात ध्यान देने का है कि अगर आप इस लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल को एक पॉइंट चार्ज जो मोशन में है उसके कारण जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पॉइंट चार्ज को मोशन में नहीं मानते हैं ये इनकोन्वीनियंट होता है कन्वीनियंस सुविधा इसमें इस बात में होती है कि हम लोग एक्चुअली मानते हैं कि कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कोई वॉल्यूम है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है और वह मोशन में है वॉल्यूम चार्ज एक प्रेस्क्राइब ट्रेजेक्ट्री के लोंग एक निश्चित पाथ होगा जिस पर वह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोशन करता है हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वही मोशन कर रहा है एक निश्चित पाथ पर एक्चुअली हम लोग उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्केलर और और वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं और तब प्रॉपर लिमिट लेते हैं कि उस वॉल वह जो वॉल्यूम है वह जीरो के तरफ टेंड कर रहा है या उस स्फेरिकल वॉल्यूम का जो रेडियस है वह जीरो के तरफ टेंड कर रहा है तो आप जानते हैं कि अगर वॉल्यूम जीरो की तरफ टेंड करेगा तो जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बिकम जस्ट ए पॉइंट तो उस लिमिटिंग कंडीशन में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल होगा दैट विल बिकम एक्चुअली द लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल क्योंकि अब वह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा उस लिमिटिंग कंडीशन में वह पॉइंट चार्ज में एक तरह से कन्वर्ट हो गया और उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल होगा हम लोग उसी को लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल बोले सो दिस इज द प्रोसीजर दिस इज द टेक्निक हाउ टू फाइंड द लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए मूविंग पॉइंट चार्ज तो हम उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा कि निकालना है मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण स्केलर वेक्टर पोटेंशियल लेकिन हम लोग कंसिडर किसको करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक निश्चित पाथ पर मोशन करेगा फिर उसके कारण फील्ड कैलकुलेट करके या पोटेंशियल कैलकुलेट करके उस पर लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे कि उस वॉल्यूम उस वह जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वॉल्यूम जीरो को टेंड कर रहा है दैट इज़ कि आप अब पॉइंट चार्ज की बात करने जा रहे हैं तो उस लिमिटिंग कंडीशन में आपका वही पोटेंशियल चेंज हो जाएगा इन लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये आपने समझा तो हम लोग एक्चुअली जो पिछले क्लास में पढ़े हैं जनरल रूप में स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज इन मोशन और करंट डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट फील्ड पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर होता है जैसे इस फिगर में पी है और किसी टाइम टी पर ये आप ऑलरेडी एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं कि इन टर्म्स ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल अगर हम स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करें तो आपने पढ़ा था कि फाइ ऑफ आर टी बराबर होता है वन ओवर फोर पाई एफसेल एन इंटीग्रल ओवर भी प्राइम रो आर प्राइम टी माइनस आर बाय सी डिवाइडेड बाय आर ऑफ आर एंड आर प्राइम डी भी प्राइम और ठीक इसी तरह से जब हम लोग वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वेक्टर रिटाइडेड पोटेंशियल ए ऑफ आर टी को तो दैट इज म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटीग्रल ओवर वी प्राइम एंड सोर्स के जगह पर यहाँ हो जाता है जे ऑफ आर प्राइम एंड टी माइनस आर बाई सी डिवाइडेड बाई आर डी भी प्राइम आप इस फिगर को देखिए आप ये बात कई बार कई बार, कई बार इस बात को आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ आर प्राइम जो है वो हमारा जो सोर्स चार्ज है क्यू यहाँ देखिए फिगर में ओ प्राइम पॉइंट पर उसका पोजिशन वेक्टर है और उसी आर्बिट्ररी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर फील्ड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है दैट इज पी पॉइंट का पोजिशन ऐसी स्थिति में आप ट्राइंगल लॉफ से जानते हैं कि सोर्स पॉइंट ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में इस फील्ड पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर अगर कैपिटल आर मान लिया जाए तो दैट इज स्मॉल आर माइनस आर प्राइम इसलिए इस दो एक्सप्रेशन में जो फाइव और ए के लिए है इसमें जो कैपिटल आर यूज हुआ है वह वास्तव में है क्या तो आर माइनस आर प्राइम का मोडुलस है इनफैक्ट ये रिजल्ट हमने प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा उसके आधार पर डायरेक्टली लिख दिया है लेकिन अब ध्यान से देखिए कि अगर हम फाय और ए को इवेलुएट करना चाहते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं किसी एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम में तो हमको इस दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम इंटीग्रल है डेफिनेट वॉल्यूम इंटीग्रल तो इसको इवेलुएट करना होगा लेकिन यहाँ इस वॉल्यूम इंटीग्रल को इवेलुएट करने में एक सीरियस प्रॉब्लम है एक कठिनाई है क्या है कठिनाई आप इस बात को देख सकते हैं इनफैक्ट यहाँ जो वॉल्यूम भी प्राइम है वो डेफिनेट है ही नहीं निश्चित है ही नहीं कैसे निश्चित नहीं है आप ध्यान से देखिए ये वॉल्यूम हमारा जो सोर्स है या क्यों इसी के सराउंडिंग का वॉल्यूम है लेकिन इस केस में जो हमारा सोर्स है Q वह तो रेस्ट में है नहीं वो तो मोशन में है और अगर वह मोशन में है तो बताइए आपकी क्या होगा मोशन में है इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर आर प्राइम है सोर्स पॉइंट का दैट विल भैरी वह चेंज करता रहेगा और अगर वह भैरी करेगा तो आप जरा ध्यान से देखिए कि दिस कैपिटल R डिपेंड्स ऑन R एंड R प्राइम आर तो फिक्स है आर जो स्मॉल आर है फील्ड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर वह फिक्स है लेकिन आर प्राइम जो सोर्स पॉइंट का पोजिशन है ओरिजिन ओ के में वो वैरी कर रहा है तो आर प्राइम के बदलने से दिस कैपिटल so, आर विल चेंज सो आर प्राइम वैरी करेगा तो कैपिटल आर भी वैरी करेगा इज इट ओके अब देखिए अगर कैपिटल आर वैरी कर रहा है तो उस स्थिति में जो वॉल्यूम कंटेंट होगा यहाँ पर दैट इज भी प्राइम सो ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि भी प्राइम विल बी नॉट फिक्स्ड या कहिए कि ये भी वैरी करेगा नॉट फिक्स्ड भी प्राइम फिक्स्ड नहीं होगा तो भी प्राइम फिक्स्ड नहीं है इसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम जिसमें हमारा सोर्स है रो और जे दोनों फील्ड का सोर्स है आप जानते हैं इनफैक्ट जिस वॉल्यूम में इस रो और जे का वैल्यू जीरो नहीं है नॉन ज़ीरो है वह वॉल्यूम व्यक्त किया हुआ ही नहीं है स्पेसिफाइड ही नहीं है ठीक है तो ये कठिनाई है इस वॉल्यूम इंटीग्रल को इवेलुएट करने में अब इस कठिनाई को कैसे ओवरकम किया जाए कैसे इसको दूर करते हैं तो एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम से कुक से निजात पाने के लिए इसको दूर करने के लिए हमारा जो अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टूल है दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन सो व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इन योर कैलकुलेशन देन सच द सच ए प्रॉब्लम ऑफ इवेलुएटिंग दोज वॉल्यूम इंटीग्रल्स विल बी रिमूव्ड उससे आप निजात पा सकते हैं उससे आप हट मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कैलकुलेशन में डिराक डेल्टा फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म में एक्चुअली अब हमको इस इस पोटेंशियल को व्यक्त करना होगा और तब हम उस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं इज इट ओके हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं बातों को देखिए तो डिराक डेल्टा फंक्शन का चूंकि यूज होगा और जिस डिराक डेल्टा फंक्शन के जिस जिस प्रॉपर्टी का यूज होगा हमने आपके सुविधा के लिए उस प्रॉपर्टी को यहाँ मेंशन कर दिया है वैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन में ये आंसर लिखते हैं तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ये प्रॉपर्टी वहाँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ये तो समझने के लिए वो तो हम उसका यूज करते हैं ठीक है अब डिराक्ट डेल्टा फंक्शन वन डायमेंशन में भी डिफाइंड होता है टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन सब में डिफाइंड होता है आप पहले के क्लास में भी इसका यूज़ किए हैं तो हमने डिरैक्ट डेल्टा फंक्शन का सिम्बॉल लिखा था डेल्टा आर माइनस आर प्राइम दिस वॉज एक्चुअली द थ्री डायमेंशनल डिराक्ट डेल्टा फंक्शन वेक्टर आर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन का साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि यहाँ जो आर प्राइम है उसके जगह पर जीरो भी हो सकता है है ना आर प्राइम रेफरेंस पॉइंट है तो रेफरेंस पॉइंट को जीरो भी ले सकते हैं इसलिए डिराक्ट डेल्टा फंक्शन को सीधा डेल्टा आर भी लिख सकते हैं लेकिन तब फिक्स है कि आप बात कर रहे हैं कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वह जीरो के बराबर इट मीन्स कि जो हमारा अभी के केस के हिसाब के से सोचा जाए तो जो हमारा सोर्स है वह ओरिजिन ओ पर ही है मतलब जो ओ प्राइम पॉइंट है जरा ध्यान से देखिए अगर इस ओ पॉइंट प्राइम पॉइंट को ओ पर मान लिया जाए तो आर प्राइम ज़ीरो हो जाएगा तब भी यह डेल्टा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं अब अगर वन डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन की बात करें तो आर के जगह पर एक्स लिखेंगे ठीक है और हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट को भी ओरिजिन ही मान लिया इसीलिए एक्स माइनस एक्स प्राइम या एक्स नोट हम नहीं लिख रहे हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ ध्यान से देखिए ये जो डेल्टा फंक्शन है डेल्टा ऑफ एक्स यह ज़ीरो के बराबर होता है बशर्ते कि एक्स आपका जीरो के बराबर नहीं है तब लेकिन अगर एक्स जीरो है डेल्टा ऑफ जीरो जीरो के बराबर नहीं होता है सब याद रखना आपको या आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू तो जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू तो एक्स नॉट साथ ही साथ आपको हमने बताया था कि डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट ये इनफाइनाइट हो जाता है इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो नॉट तब ये इनफाइनाइट हो जाता है ठीक है तो ये आपके डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग याद रखेंगे वो है कि डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल अगर होल स्पेस के लिए लिया जाए फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू तो प्लस इनफिनिटी तो दैट इक्वल टू तो वन ये याद रखना है अब मान लीजिए कि कोई एक रेगुलर कंटिन्यूस और डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अगर आप उससे इस डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट को तो रिजल्ट होगा एफ ऑफ एक्स नॉट टाइम्स से द सेम डेल्टा फंक्शन इज इट ओके सब याद रखना है और अगर उसी कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर दें होल स्पेस के लिए तो रिजल्ट होगा एफ ऑफ एक्स नॉट दिस इज एक्चुअली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है इस लास्ट प्रॉपर्टी का तो ये सब कुछ डेल्टा फंक्शन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जैसा हमने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन जो वॉल्यूम इंटीग्रल था फाइ और एक के एक्सप्रेशन में उसके इवेल्युएसन में जो कठिनाई है क्योंकि वॉल्यूम भी प्राइम स्पेसिफाइड नहीं है व्यक्त किया हुआ नहीं है या वह रीजन या वह वॉल्यूम जिसमें रो और जे का मान नन जीरो होता है वह वॉल्यूम चूंकि व्यक्त किया हुआ नहीं है वह चेंज होता रहता है इसीलिए ऐसे स्थिति में डायरेक्टली उस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना कठिन होगा और उसका हम इवेल्युएसन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन अब इस डिराक्ट डेल्टा फंक्शन के टर्म में अगर आप उसी स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल फाई और ए को व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये जरा आप ध्यान से देखिए सो इन टर्म्स ऑफ ऑफ डेल्टा फंक्शन आप सिर्फ डेल्टा फंक्शन भी कह सकते हैं बार बार डिराक डेल्टा फंक्शन कहने का जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा फंक्शन वी कैन एक्सप्रेस फाइ एंड ए एज कैसे इसको व्यक्त किया जा सकता है इस बात को देखिए पहले हम इसको लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे कि जो यह कैसे हमने लिखा है पहले एक्सप्रेशन हम लोग नोट कर लेते हैं तो दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज पाई ऑफ आर टी इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफसेल एंड नॉट इंटीग्रल ओवर वी प्राइम इंटीग्रल माइनस इंफिटी टू प्लस इंफिनी रो ऑफ आर प्राइम टी प्राइम टाइम्स डेल्टा फंक्शन ऑफ टी प्राइम माइनस टी माइनस आर बाय सी एंड ओबर आर ऑफ आर कॉमा आर प्राइम एंड डी वी प्राइम टाइम्स डी टी प्राइम डी टी प्राइम अब देखिए और फिर हम जब ए के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एफ आर टी ए ऑफ आर टी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाए इंटीग्रल ओवर भी प्राइम इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिनी एंड सोर्स फंक्शन है यहाँ जे जे ऑफ आर प्राइम टी प्राइम ओवर आर

अभी आपने देखा था कि जो हमारा डेल्टा फंक्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यह कि अगर इस डेल्टा फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं होल स्पेस के लिए तो ये वन के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में आप ज़रा देखिए कि अगर हमने यहाँ ले लिया इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनी एंड दिस डेल्टा फंक्शन डी टी प्राइम ध्यान दीजिए बाकी डी दी भी प्राइम और रो आर को छोड़ दीजिए तो दैट विल बी वन तो वन से तो किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना उससे कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है इसीलिए अगर हम डेल्टा फंक्शन को यहाँ इंट्रोड्यूस भी कर दिए विथ दिस इंटीग्रल देन द रिजल्ट डज नॉट चेंज वो नहीं बदल रहा है और वही बात तो सेकेंड इक्वेशन में भी है यहाँ भी आपने इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिटी एंड दिस डेल्टा फंक्शन डी टी प्राइम लिख लिया तो इससे यहाँ x के जगह पर इनफैक्ट टी प्राइम है इसलिए आपका ये जो रिजल्ट है यह नहीं चेंज कर रहा है ठीक है आप ऐसे आपने यहाँ जो लिखा है डेल्टा एक्स लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन ऐसा भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म एक्चुअली वहां पर है या जहां आप एक्स लिखते हैं वहां पर टी प्राइम है और जहां एक्स नॉट लिखा हुआ है वहां टी माइनस आर बाय सी है आप देख सकते हैं ठीक है वही चीज लिखा हुआ है तो इस रूप में आपने डेल्टा फंक्शन के टर्म इसको व्यक्त कर दिया अब देखिए अब ये जो रो और डी भी प्राइम का प्रोडक्ट है जरा ध्यान से देखिए वट इज दिस रो जो फंक्शन है इनफैक्ट आर प्राइम और टी प्राइम का टाइम्स डी वी प्राइम व्हाट इज दिस इनफैक्ट अगर आप एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेते हैं जो टोटल वॉल्यूम है भी प्राइम उसी का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया एंड दिस एलिमेंट इज एक्चुअली डी वी प्राइम अब ध्यान से देखिए तो रो का मीनिंग क्या है रो का मीनिंग है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ध्यान से देखिए तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है रो के बराबर अब ये ब्रैकेट का जो आर्गूमेंट हम नहीं लिख रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज रो तो बोलो डी भी प्राइम वॉल्यूम में कितना चार्ज दैट विल बी सिम्पली रो इन टू डी वी प्राइम इट मीन्स दिस प्रोडक्ट रो डी वी प्राइम इज नथिंग दिस इज सिंपली द चार्ज कॉन्टेंट इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट डी वी प्राइम अब चूंकि ये एलिमेंट्री वॉल्यूम है इसीलिए हम इस चार्ज को भी लिखते हैं डी क्यू दिस इज एक्चुअली द चार्ज कॉन्टेंट इन द एलिमेंट्री वॉल्यूम डी वी प्राइम ठीक है एलिमेंट्री वॉल्यूम डी वी प्राइम में कंटेंट या चार्ज है तो आप इस तरह से रो इंटू डी वी प्राइम को डिफाइन कर सकते हैं ठीक है रो इंटू डी वी प्राइम को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं देखिए तो रो इंटू डी प्राइम को डिफाइन किया जा सकता है इस मैनर से और ठीक इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसका वैल्यू तो जे इंटू डी प्राइम का इसको लिख दिया डी क्यू और जो कि है चार्ज कंटेंट इन वॉल्यूम डी प्राइम डीवी प्राइम वॉल्यूम में कंटेंट चार्ज है यह ठीक है अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो हमारे दूसरे एक्सप्रेशन में है जे इंटू डी भी प्राइम का वैल्यू ध्यान से देखिए जे भी जे भी जे प्राइम, प्राइम, क्या है? करंट डेंसिटी और आप जानते हैं कि करंट डेंसिटी करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया जैसे आप मान लीजिए कि यही एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिस क्रॉस सेक्शन का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और एक एलिमेंट्री वॉल्यूम है, या, इसका है DL, यह इसका लेंथ है डी और ये जो टोटल वॉल्यूम है यह है डी प्राइम यही वॉल्यूम है डी प्राइम सपोज करिए तो जे प्राइम को हम लिख सकते हैं करेंट आए डिवाइडेड बाई एरिया ए इज इट ओके बट इट इज वैक्टर तो क्या करेंगे वैक्टर बनाने के लिए इसके डायरेक्शन का अगर यूनिट वैक्टर मान लीजिए हम एन हैट मान लें तो एन हेट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डी वी प्राइम डी वी प्राइम आप ध्यान से देखिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ डी एल है तो दिस विल बी ए इंटू डी एल इज इट ओके अब ये ए और ए आपका कैंसिल हो गया तो क्या निकला यार दिस इज आई इन टू डी एल इन टू एन हैट ओके अब आई करंट क्या होता है दिस इज डी क्यू डीटी डी टी सबको मालूम होगा करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो आई डी क्यू डीटी डी टी लिख दिया आई के जगह पर दिस इज डी एल इन टू एन हैट अब ये थोड़ा अरेंज करके लिखिए दिस इज डी क्यू इन डी एल बाय डी टी इन एन हैट बट व्हाट इज दिस डी एल बाय डी टी आप जानते हैं डी एल बाय डी टी इज नथिंग दिस इज सिंपली वेलोसिटी चार्ज जो चल रहा है उसी का वेलोसिटी है यह तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी भी डी एल बाई डी टी को भी लिख दिया एन टू डी क्यू इंटू एन हैट अब ये जो चार्ज का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में तो करंट चल रहा है इसीलिए आप इस एन हैट के बदले अगर सीधा वेलोसिटी वेक्टर भी लिख देते हैं तो एन हैट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा सो दिस इज भी इन टू डी क्यू तो जे डी वी प्राइम किसके बराबर हो गया भी इंटू डी क्यू के बराबर हो ओके okay? हम उम्मीद करते हैं आपने इस बात को समझा होगा कि कैसे यह रिजल्ट हुआ तो जे इन टू डी भी जो हमारे सेकेंड इक्वेशन में था ए वाले एक्सप्रेशन में उसके जगह पर लिखा जा सकता है भी इन टू डी क्यू ओके तो अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो पहले वाला इक्वेशन है जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर टू का यह पहला इक्वेशन आप इसको टू ए कह दीजिए मान लीजिए इसको ए कह दें और इसको बी कह दें टू बी तो रो इन टू डी वी प्राइम के जगह पर डी क्यू लिख लेंगे ठीक है और जे इंटू डी भी प्राइम के जगह पर अभी आपने देखा कि हम उसके जगह पर क्या लिख लेंगे तो जे इं टू डी प्राइम के जगह पर क्या लिखना है आप देख सकते हैं कि इसके जगह पर भी इंटू डी क्यू लिख लेंगे है ना दस वी गेट वी गेट क्या मिलेगा आप देखिए फाइ ऑफ आर टी फाइ ऑफ आर This will be one over four pi epsilon naught integral V prime integral V prime and integral from minus infinity to plus infinity. डी क्यू लिख लिया उसके जगह पर एंड डेल्टा आप ध्यान से देखिए डेल्टा क्या है डेल्टा टी प्राइम माइनस टी माइनस आरबैसी अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा टी प्राइम माइनस टी या प्लस आरबाइसी दोनों जगह पर तो आप देख सकते हैं तो दिस विल बी डेल्टा

फिर इसको आप एक कह दीजिए और इसी तरह से अब हम लोग ए के लिए जो एक्सप्रेशन है वहाँ भी यही काम करेंगे तो आप देखिए एंड ए ऑफ आर टी ए ऑफ आर टी व्हाट विल बी दिस आप जान चुके हैं कि दिस इज म्यू नॉट बाय फोर पाए इंटीग्रल ओवर भी प्राइम एंड इंटीग्रल माइनस इन्फिटी टू प्लस इन्फिनी भी ऑफ टी प्राइम डी क्यू जे इंटू डी प्राइम की जगह पर यह लिखा गया है एंड अगेन डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बेस ब्रैकेट हटाने के बाद ऐसा लिख रहे हैं एंड डी टी प्राइम एंड ओवर आर ऑफ आर ऑफ आर एंड आर प्राइम एंड से दिस इज बी एंड दिस इज योर इक्वेशन थ्री ठीक है अब देखिए तो ये हम लोगों ने एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू के टर्म में और एक एक्सप्रेशन को लिख दिया इनफैक्ट इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इनफैक्ट इन दैट कंडीशन जो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू होगा फॉर द वॉल्यूम भी प्राइम व्हाट विल बी दैट नाउ यू कैन सी दैट इंटीग्रल ओवर वी प्राइम डी क्यू दिस कैन बी रिटर्न एज क्यू लेकिन कब इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज देन ऐसे कंडीशन में अगर आप फाई और ए का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए देन वी कैन राइट फाई ऑफ आर टी दिस विल बी वन ओवर फोर पाई एफ सेल एन अब ऐसा करिए कि देखिए अब क्यू हो जाएगा तो क्यू तो टी प्राइम जो टाइम है उससे इंडिपेंडेंट है ना तो आप क्यू को बाहर क्यू बाय फोर लेर पैप्स नॉट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी आर बाय सी बाय कैपिटल आर ऑफ आर एंड आर प्राइम डी टी प्राइम से दिस इज ए एंड इसी तरह से जब वेक्टर पोटेंशियल ए के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अगेन जो आपका क्यू होगा वह बाहर आएगा एंड द रिजल्ट विल बी व्हाट दैट विल बी म्यू नॉट क्यू बाय फोर पाए इंटीगरल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड अगेन द सेम सॉरी यहाँ पर एक फैक्टर और होगा यहाँ देखिए भी बचा हुआ है ठीक है इसलिए पहले आप इस भी को लिखिए पहले हम लोग इस भी को लिखते हैं सो so, this will be b of t prime times delta t prime minus t plus r by c dt prime and divided by r of r and r prime this is b तो इस तरह से हम लोगों ने फाइ और ए का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया उस समय जब आप ये मानते हैं कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया तो ये एक्सप्रेशन है बट दिस इज़ नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लिनाड विचर्ट पोटेंशियल अभी हमको इसमें और कुछ काम करना होगा एक्चुअली इस इंटीग्रल का इवेल्यूएसन अभी तक हुआ नहीं है अभी जो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन है इंटीग्रल के अंतर्गत इसका इवेल्युएसन अभी तक नहीं हुआ है अब इस ऐसे इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हमें आप देखेंगे कि जो हमको एक नया फिक्स टाइम कंसिडर करना होगा इस टी प्राइम के जगह पर बट दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑन दिस सब्जेक्ट तो ये सब बात हम आप दूसरे क्लास में करेंगे आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारा कंक्लूडिंग क्लास होगा जब हम लोग लिनाग विचर्ड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली फाइनली डिस्कस कर लेंगे